दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शक को कहा जाता नर सेवा नारायण सेवा, ऐसे सरस्वती पूजा उपलक्ष्य में जैसा कि आप जानते हैं तमाम दलों के लोग मिलकर हर शनिवार को गरीबों को खिचड़ी खिलाते हैं, लेकिन आज पूड़ी सब्जी बूंदिया और बहुत सारा आइटम तमाम गरीबों को प्रसाद के रूप में दिया गया। जम्मू जिला के जाने माने समाज सेवी चिकित्सक डॉक्टर एम एस परवाज, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हर एक क्षेत्र में हर एक जगह उनकी सेवा की तूती बोलती है। हमारे साथ परवाज भी जुड़ेंगे, घनश्याम गुप्ता जुड़ेंगे, और भी कई लोग जुड़ेंगे। मैं जानना चाहूँगा इस तरह से सेवा करके उनको कैसा महसूस होता है। बने रहिएगा से आप लगातार गरीबों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। आज सरस्वती पूजा है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे, आपने सरस्वती माँ की आराधना भी की, चंदन टीका भी लगाया, कहीं ना कहीं कट्टरपंथी जो भारत में है उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि बहुत अच्छी प्रश्न है आपका। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मजहब इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि किसी दूसरे के मजहब पे ये करो, बल्कि ये सिखाता है कि सभी मजहब का उतना ही रिस्पेक्ट करो जितना कि आप अपने मजहब का करते हैं। तो एक्चुअली ये वैसे लोग हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, समझ नहीं पाते हैं, वो कट्टरपंथी की जो बात करते हैं। मैं आज माँ सरस्वती की आराधना भी किया और पूजा में भी अर्चना में भी रहा ये पे, तो हमें अपने ही आत्मविश्वास है, अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगा कि अब देश में ऐसे ही होनी चाहिए, आप में हम आए, हमारे में आप जाएं, तभी हमारी देश। कलाम साहब ने कहा था कि एकता में अनेकता में एकता होना पड़ेगा, और अनेकता में एकता ही एक सबसे बड़ी खूबी है हमारे देश की। आज जो गरीबों की सर सेवा की, आज तमाम लोगों को, जैसा कि घनश्याम गुप्ता के नेतृत्व में श्याम सुंदर पासवान, बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं, तमाम हर शनिवार को खाना खिलाते हैं, आज पूरी सब्जी बूंदिया क्या क्या खिलाया गया? देखिए, उन गरीबों के लिए तो भगवान के रूप में है घनश्याम बाबू और उनकी पूरी टीम, और वो मैं अपने तरफ से बधाई देना चाहूँगा पूरी टीम को और घनश्याम बाबू को, और पूरी टीम को भगवान उन्नति दे और आगे की तरफ बढ़ाए और इनकी दीर्घायु हो। और मेरे तरफ से मैंने यही कहना चाहेंगे कि जब कहीं कोई नहीं हो तो हम पर रखा जाए, और हम परमानेंट आपके साथ हैं। और मैं बड़ा संतुष्ट हुआ आपका ये कार्यक्रम, जो घनश्याम बाबू का पूरी टीम जो कर रही है वो सही मानों में बधाई के पात्र है, और मैं इसे भूल नहीं सकता। बहुत धन्यवाद। जिस तरह आप लोग गरीबों की सेवा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमको बहुत सुकून मिलता है गरीबों का सेवा करके, और आज बसंत पंचमी के अवसर पर हर शनिवार के से हट करके पूरी बुनिया सब्जी का व्यवस्था हम लोगों ने किया। इसलिए किया कि संपन्न लोग तो अपने अपने घर में मुंह मीठा करेंगे, लेकिन सड़क के लोगों के लिए हम आज के दिन मुंह मीठा करने के लिए बुनिया का उपयोग कराते हैं, जिससे लोगों में हम लोग के टीम के प्रति एक बढ़िया संदेश जाए और एक सहानुभूति। की टीम पूरी जो है खिचड़ी खिलाती है गरीबों को, लेकिन आज पूरी सब्जी बुंदिया और सारा आइटम खिलाया गया। मानव सेवा संघ की ओर से हर शनिवार को खिचड़ी की व्यवस्था होती है, लेकिन हमारे टीम के द्वारा आज निर्णय लिया गया कि संयोग से शनिवार है और बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में मानव सेवा संघ निर्णय लिया कि आज के दिन कम से कम गरीबों के बीच में कुछ मीठा, जैसे बूंदिया पूरी सब्जी का हम लोग मैंने अति किए, और हम बधाई देते अपने मानव सेवा संघ की ओर से डॉक्टर प्रभात साहेब को कि कम से कम बढ़ चढ़ करके आप समाज सेवा के नाम पर बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते आज यहाँ आए। हम सारे मानव सेवा संघ के कार्यकर्तागण आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और आज का जो ये पूरी सब्जी बूंदिया का व्यवस्था है प्रशांत सुल्तानिया जी अपने बाबूजी के याद में डोनेट किए, मैं उनको भी मानव सेवा संघ की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। श्याम सुंदर पासवान जी, एक लाइन।